आप इतना कामयाब हो गई हैं फिल्मों में, ऑलरेडी सुपरस्टार हैं, अभी ये म्यूजिक वीडियो आ रहा है रोमांटिक होली के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके गाने के बारे में? बस जैसे आप लोगों ने हर जगह मुझे इतना सारा प्यार दिया है, मेरे गाने को भी आप लोगों की प्यार की जरूरत है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने मेरा बहुत ही प्यारा होली सॉन्ग मेरा रोमांटिक कलर आप लोगों के पास आएगा, रिलीज होगा बहुत जल्द। प्लीज उसको भी जितना प्यार अभी तक मुझे दिया इस गाने को भी दीजिएगा। तो इस गाने का ख्याल कैसे, हमने सुना बहुत टाइम लगा आपके साथ, हमारे कंपोजर और म्यूजिसियन साथ में है, देखिए समय लगा है इसको बनाने में, बहुत मेहनत किए हैं, और सबसे बड़ी बात है अंजना जी को म्यूजिक का कुछ सेंस है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत रिजेक्शन के बाद ये आया है रोमांटिक कलर, तो हम भी चाहते हैं कि जो मिल करके रोमांटिक कलर बना है इसको आप लोग और इसको रंगीन कर दें। ये होली के लिए आप जो भेंट दे रही हैं ऑडियंस को, तो इस गाने के लिए कितना वक्त लगा रिहर्सल करने के लिए? आप तो डेली बिजी हैं शूटिंग में, बस थोड़ा ज़्यादा हैट्रिक हुआ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी, जब पैकअप के बाद हम सब ने रिहर्सल किया और सारी प्लानिंग बनाई एंड देन आज फाइनली हम शूट कर रहे हैं, तो डबल मेहनत हो गई, बट मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है और उम्मीद करते हैं इस गाने का भी फल मीठा होगा। ग्रैंड लेवल पे इसको शूट कर रहे हैं फिल्म के सारे काम, बस पहला है और घर का प्रोडक्शन है, तो हम चाहते हैं कि कोई पहला प्रोजेक्ट बन रहा है तो बूम करे, अच्छा लगे, लोगों के मुंह से वाव निकले कि हाँ अच्छा किया, अच्छा शूट किया। होली कैसे मनाती हैं आप? होली जैसे सब लोग मनाते हैं, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है, अगर हमें ऑफ रहा हमारा तो हम जाएंगे अपनी फैमिली के साथ होली मनाएंगे। मूवी में धमाका, सीरियल में धमाका, आप सॉन्ग में भी धमाका करने जा रहे हैं? बस फिर तो बस आप लोग का आशीर्वाद ही चाहिए, धमाके होते रहने चाहिए। वेरी गुड, तो बस थैंक यू, होली के लिए सबको विश कर दीजिए हैप्पी होली। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ अंजना सिंह और सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल, थैंक यू। आज वुमेंस डे है, लास्ट। हां यस, वुमेंस डे के लिए भी कुछ बोल दीजिए। वुमेंस डे के लिए देखिए सिंगल वुमेन आर्मी, मैं अपने आप को एग्जांपल दे सकती हूँ, और सिर्फ मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट नेताओं के भाषणों में हमेशा महिलाओं की रही है, लेकिन वो दिखती कहीं नहीं है। तो मैं सारी जितनी भी वुमेंस हैं उनसे कहना चाहूँगी, हमें अपने लिए खुद लड़ना है, खुद आगे बढ़ना है, हम अपनी ताकत खुद हैं, किसी और की नहीं। तो हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू। अंजना जी इसमें हैं, तो अंजना जी ने कहा कि ये गाना सेलेक्ट करने में उनको बहुत तकलीफ हुई, मतलब इतना आसान नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में कि आपका जो सिलेक्शन है इस गाने को लेकर? जी नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए गाना ऐसा चीज़ है कि जब हमसे उन्होंने झटके में, एक्चुअली इतनी सारी फिल्में चल रही है, कहा कि मुझे गाना करना है, तो अब गाना सिलेक्शन में क्या, मैंने कुछ गाने तैयार किए और सुनाए, तो फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसे गाने नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ डिफरेंट यूनिक अलग हट के करना है, तो फिर मैंने ये गाना तैयार किया और फाइनली ये गाना हुआ, और आज इसका शूट चल रहा है, और बहुत धमाल गाना, मतलब अभी आप देखिएगा तो भोजपुरी में, या क्योंकि ये हिंदी गाना है, मतलब अभी ऐसा गाना, क्योंकि भोजपुरी में भी बहुत लोग हिंदी भी गा रहे हैं, अभी ये इस कलर का गाना अभी नहीं आया है, कुछ ये डिफरेंट अलग है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, और आप लोग प्यार आशीर्वाद ऐसा ही देते रहिए। तो ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है आपका, लेकिन आपको क्या लगता है जब आप जाते हैं किसी हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर के पास कोई हिंदी फिल्म करने के लिए, तो कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस या कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने हिंदी भी बहुत सारी की है, और बहुत सारा अभी चल ही रहा है, थोड़ा अभी ज़माना भी बदल गया है, पहले जैसा म्यूज़िक और गाने नहीं रह गए हैं, अब थोड़ा जब तक आप हट करके अलग चीज़ें नहीं करते हैं तब तक मज़ा नहीं आता है, और लेकिन डेफिनेटली ये गाना सबको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत धमाल, और जब आप समझिए कि इसमें हॉट के कंजना जी हैं, तो कितना और बवाल होने वाला है गाना, तो आप लोग प्यार दीजिए इस गाने को, और बहुत जल्द एकदम 2-4 दिन के अंदर में ही आप लोगों के सामने ये गाना होगा। मुन्ना जी एक चीज़ और होता है कि इंडस्ट्री में जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अनु मलिक से लेकर प्रीतम, सब पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि
वो लोग गाना जुड़ाते हैं, म्यूजिक को जुड़ाते हैं, वो कितना सही मानते हैं, आप गलत मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सही बात है, और अगर सही है तो किस? देखिए, होता रहता है, आदान प्रदान लेन देन चलता रहता है, हमारे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ होता रहता है, तो कोई ये नई बातें नहीं है, बहुत से कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी कुछ यूपी बिहार की चीज़ें बॉलीवुड में लोग लेते हैं, बॉलीवुड की चीज़ें कुछ भोजपुरी में ली जाती है, आदान प्रदान चलता है। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा काबिल है जो अपना ओरिजिनल म्यूजिक दे सके? जरूरी तो नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सब 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 लोग टैलेंटेड हैं, सब अपने जितना क्षमता होता है उतना क्षमता के अनुसार काम करते हैं, हम भी उसी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। आपको भी हाल फिलहाल में काफ़ी इशू हुआ है आपके म्यूजिक को लेकर, म्यूजिक को कॉपीराइट को लेकर, ये सब बताइए कि क्या था? नहीं, कॉपीराइट को लेकर नहीं था, एक्चुअली हमारे गाने लिए गए, खैर वो तो मैटर पहले क्लोज हो गया, और क्योंकि हमारा म्यूजिक था, किसी ने कंपोजिशन बॉलीवुड वाले ने लिया था, हमने क्लेम व्लेम किया था, बहुत सारी चीज़ें सबको पता ही है, लेकिन अभी वो सब चीज़ें हट चुका है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे गाने में मैं हमको नहीं लगता कि मेरे पे कभी कॉपीराइट है, क्योंकि मैं जो भी तैयार करता हूँ फ्रेश चीज़ें तैयार करता हूँ और नई चीज़ें रहती है। और लास्ट ईयर हम आगे क्या करने वाले हैं, कोई ऐसा धमाकेदार गाना जो? अभी बहुत सारे फिल्में हमारी आ रही हैं, आप देखिएगा, इंस्पेक्टर धाकर सिंह आ रहा है, अच्छा। लालू जी की लव स्टोरी है, तुदिया भारती हम पार्ट टू है, शिवाय है, बहुत सारी फिल्में, मजदार है, पाकी हेगड़े जी, मनोज टाइगर जी का, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन फिलहाल ये जो गाना है होली का, मैं अभी पहला गाना, मतलब बहुत हमको लग रहा है सालों के बाद मैं एल्बम, वो भी होली का गाना मैंने किया है, तो डेफिनेटली सबको पसंद बहुत आएगा, और धमाल फुल मस्ती वाला गाना है, और सब लोग इंजॉय करेंगे।